पंचायत को गांव के विकास का पहला पायदान माना जाता है, लेकिन जब पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबा सफर तय करना पड़े तब ऐसे हालातों में गांव का विकास कैसे होगा। दरअसल महासमुंद जिले के बसना जनपद क्षेत्र में एक ऐसा पंचायत सामने आया है जहां पंचायत मुख्यालय तक जाने के लिए आश्रित गाँव के लोगों को 12 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। ग्राम पंचायत को गांव के विकास का पहला पायदान माना जाता है, लेकिन जब पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबा सफर तय करना पड़े तब ऐसे हालातों में ग्रामीण विकास कैसे होगा और लोग कैसे अपने पंचायत में जाकर अपनी समस्याएं रख पाएंगे, यह बड़ा सवाल सामने आ जाता है। दरअसल महासमुंद जिले के बसना जनपद क्षेत्र में एक ऐसा पंचायत सामने आया है जहां पंचायत मुख्यालय तक जाने के लिए आश्रित गांव के लोगों को 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बसना जनपद क्षेत्र का यह ग्राम पंचायत लोहडीपुर है, जिसके आश्रित ग्राम पतेरापाली के लोगों को अपने पंचायत मुख्यालय में जाने के लिए 12 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि पतेरापाली गांव ऐसा नहीं कि किसी सुदूरवर्ती वनांचल क्षेत्र में स्थित है, बल्कि मैदानी भाग में स्थित है, जिसके बाद भी पंचायत मुख्यालय तक जाने के लिए सीधा सड़क संपर्क नहीं है, जिससे यहां निवासरत सैकड़ों लोगों को पंचायत मुख्यालय सहित धान खरीदी केंद्र में पहुंचने के लिए घुमावदार 12 किलोमीटर का रास्ता तय करने की मजबूरी झेलनी पड़ती है। गौरतलब है कि पतेरापाली गांव के लोग शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए भी 12 किलोमीटर तक संघर्ष करते हैं। इस तरह के हालातों के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से पंचायत के नए परिसीमन को लेकर कोई व्यवस्था देने ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि से जब चर्चा की गई, तब उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह समस्या है तथा पंचायत मुख्यालय तक उन्हें जाने के लिए काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पतेरापाली अपने पंचायत जाने के लिए लगभग 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, ताकि हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना जो खाद्यान्न योजना है उसको लेने जाने के लिए बहुत परेशानी होता है। 12 किलोमीटर रेगुलर जाना पड़ता है, अप डाउन 25 किलोमीटर है। हमारे गांव के लिए रोड एकदम अति आवश्यक है, इसमें तो कई बार हमारे पंचायत के ग्राम सभा सबसे मांग कर लिए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक रोड बनाने में असमर्थ है। क्या कारण है कि रोड नहीं बन रहा है? अब कारण इसमें सर, बीच में एक जंगल आ जाता है और एक साइड में निजी जमीन है और एक साइड बांध है, इसलिए रोड नहीं बन पा रहा है निजी जमीन। यहाँ के किसान भी धान बेचने वहीं जाते हैं, घूम के जाते हैं? घूम के ही जाते हैं सब। 12 किलोमीटर जी जी। तो आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप मांग क्या करना चाहेंगे? बस सर, अपने गाँव के लिए रोड बनना चाहिए। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।